Puerto Rican. हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मलाई कोफ्ते। इसके लिए मैंने कढ़ाई रख ली है गैस पे। मैं 2 चम्मच तेल डालेंगे, जीरा 1/2 टेबल स्पून, इलायची दाने 1 इलायची लिए मैंने, कड़ी पत्ता, इन्हें तड़का लेंगे। उसके बाद डालेंगे जिंजर, अदरक, हरी मिर्च 1-2 हरी मिर्च डालेंगे, प्याज, यहाँ मैंने 1 प्याज लिया है, टमाटर, नमक 1 चम्मच, नमक 1/2 चम्मच, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, और गरम मसाला 1/4 स्पून। अब हमें इन मसालों को मिक्स करना है और ढक के रख देना है। जब तक हमारी सब्जी पकती है तब तक हम यहाँ देखते हैं मसाला बना लेते हैं कोफ्ते का। इसके लिए मैंने बॉयल आलू लिया है, इसमें नमक डालेंगे, मिर्च, हरा धनिया, हरी मिर्च, गरम मसाला, आरारोट 1 चम्मच। अब इन सबको मिक्स कर लेंगे, अच्छे से मैश कर लेंगे सारे आलू। देखिए ये अच्छे से मैश हो गए हैं। अब हम इसके बॉल्स बनाएंगे। हाथों में मैंने ऑयल लगा लिया है थोड़ा, जैसे कि चिपके नहीं। अब इसके बॉल्स बना लेते हैं। हमें थोड़ा सा पनीर चाहिए, इसमें मैंने कलर मिलाया है थोड़ा सा येलो कलर, खाने का कलर। ये हमारा मसाला पक चुका है। हम गैस बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे थोड़ा। ये कोफ्ते के लिए तलने के लिए तेल। अब हम कोफ्ते पर इसको बीच में से थोड़ा दबा लेंगे और पनीर का मसाला भर देंगे बीच में, और एक किशमिश रख देंगे। आप चाहे तो काजू रख सकते हैं, जो आपकी मर्जी हो। इस तरह से हम कोफ्ते बना लेंगे। अब ये सारे कोफ्ते रेडी हो चुके हैं। अब हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। ये मसाला है ठंडा हो चुका है, अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे अच्छे से स्मूथली। कड़ी पत्ता निकाल देंगे, ये हमारा मसाला पीस लिया है हमने। अब कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालेंगे 1 चम्मच,
उसके बाद हम ये पीसा हुआ मसाला डाल देंगे, पूरा ग्रेवी। हमारी ग्रेवी रेडी है, अब हम इसे भून लेंगे अच्छे से, सारे मसाले अच्छे से भून जाएं और तेल छोड़ दें। हम थोड़ी सी क्रीम डाल देंगे, मलाई, आपके पास क्रीम हो क्रीम डाल सकते हैं, मलाई हो मलाई डाल सकते हैं। मैंने यहाँ मलाई का यूज़ किया है, फ्रेश मलाई। अब हम इसे अच्छे से भून लेंगे। देखिए यहाँ तेल निकल आया है साइड में, हमारा मसाला पक चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, हमें ग्रेवी ठीक रखनी है, ज़्यादा पतली नहीं करनी। देखिए हमारी ग्रेवी रेडी हो चुकी है, अब हम गैस बंद कर देंगे। अब हम कोफ्ते फ्राई कर लेते हैं। देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है कोफ्तों का, अब हम इन्हें निकाल देंगे। कोफ्ते फ्राई हो चुके हैं हमारे, अब हम इन्हें सर्व कर लेते हैं। थोड़ी सी क्रीम या मलाई और हरी धनिया से गार्निश कर लेंगे। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, अब ये खाने के लिए तैयार हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।